संभावना खुली रखिए कुंवर साहब, ठीक है। वैसे भी आपकी सदरी का रंग धीरे धीरे भगवा होता जा रहा है और ऐसे ही पॉजिटिव रहे तो हो जाएगा। माफ कीजिए, अब ये तो वही वाली बात कर दी इन्होंने कि देश की आजादी में कोई योगदान तो था नहीं। सरदार पटेल साहब ने, जिनको जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और सरदार पटेल ने उस संगठन को बैन किया, तो अपना कोई होता तो लाते आगे, तो अब सरदार पटेल साहब को भी अपना बना लिया। ऐसे ही जो तिरंगे का कलर है उसको भी अपना बना रहे हो। तिरंगे का कलर है ये, उनका कलर नहीं है। अब कोई लाल पीला नहीं होगा, ठीक है। सारे दल हैं खिले खिले पर तुम काहे मुरझाए हो, और सबकी चालू है दुकान फिर तुम क्यों शटर गिराए हो। अलग थलग जो पड़े रहे तो फिर बेकार नतीजा है, सारे रिश्ते तोड़ बुआ से कोसों दूर भतीजा है। और घर में बैठे सत्ता का, घर में बैठे सत्ता का गठजोड़ कहां से लाओगे, गोरखपुर वाले बाबा का तोड़ कहां से लाओगे, गोरखपुर वाले बाबा का तोड़ कहां से लाओगे। रास्ता सियासत का आपके लिए जनाब लगता है तंग और सकरा सा हो गया, और पिछले चुनाव में भतीजा लिया साथ में तो देखिए नतीजा अध कचरा सा हो गया। और 10 साल सत्ता से रहे हो आप दूर, तभी आपका मिजाज नाज नखरा सा हो गया। 10 साल सत्ता से रहे हो दूर आप, तभी आपका मिजाज नाज नखरा सा हो गया। और संकट का हल नहीं, चलने का बल नहीं, सूख सूख कर हाथी बकरा सा हो गया, सूख सूख कर हाथी बकरा सा हो गया। और चाहे जितना हाथी की फिटनेस पे पैसा खर्च करो, गूगल पर लखनऊ जाने का रास्ता केवल सर्च करो। और नहीं हाथों में है तो, और नहीं हाथों में है तो छोर कहां से लाओगे, गोरखपुर वाले बाबा का तोड़ कहां से लाओगे। और आखिरी क्षण सुनिएगा, छोड़ छोड़ जा रहे हैं माया जी का साथ, सभी देखिए ना पार्टी में कितना कलेश है। और नोटों वाली माला वाले दिन अब बीत गए, वोटों वाली झालर का उड़ गया फेस है। और रिश्ते बना बना के आपने सियासत में झटके से तोड़ दिए सकते में देश है। और आखिरी पंक्ति पर मेरे नौजवान मित्रों ताली बजा देना, रिश्ते बना बना के आपने सियासत में झटके से तोड़ दिए सकते में देश है। और सबकी बहन हुई अखिलेश जी की बुआ, अब सिर्फ राहुल की मौसी होना शेष है, अब राहुल की मौसी होना शेष है। अब सर आखिरी पंक्ति सुनाता हूं कि अवसरवाद देख कर जनता इसीलिए तो उब गई, और अच्छे अच्छों की चुनाव में देखो लुटिया डूब गई। और अब तो केवल रात लिखी है, भोर कहां से लाओगे, गोरखपुर वाले बाबा का तोड़ कहां से लाओगे। तो गठजोड़ बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात आपने कही ना कि कवि तो जो है वो प्रेजेंट के ही शान में कसीदे पढ़ता है, ये ऐसा नहीं था। कवि तो ऐसा होता था और होना चाहिए जो सत्ता को चैलेंज करता था आपके विपक्ष में, इसलिए कवियों का तो करैक्टर ही होता था। सुनिए सर, सुन लो, शायरों का तो करैक्टर ही होता, कवि शायर का तो करैक्टर ही होता। हम स्थाई विपक्ष हैं। हाँ, स्थाई विपक्ष। आपके विपक्ष में इसलिए इस समय कि आपकी सरकार आ रही है। मेरा सबसे ही है, मैं प्रतीक आपको बना रहा हूं, लेकिन सबसे ही है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शायद बहन जी को जरूरत पड़ी यदि तो बसपा ही तो भाजपा को सपोर्ट देंगे जी, जरूरत पड़ी यदि। मैं ये नहीं कह रहा हूं कन्फर्म है, शायद बहन जी को जरूरत पड़ी यदि बसपा ही तो भाजपा को सपोर्ट देंगे जी,
और ये सभी से कह रहा हूँ, यानी आप वोट लेकर सौदा करेंगे आगे, वोटर की पूरी आस्था को चोट देंगे जी। बिल्कुल सही, यही होता है। नहीं, वो सेंटेंस सही करा दीजिए। एक मिनट, कि जो गुटी घोट के घुमा के पिला रहे आप, क्या बात है, क्या बात है, वाह पाजी, जो गुटी घोट के घुमा, जनता के लिए कह रहा हूँ मैं, जनता भी इतनी है वही है, जो गुटी घोट के घुमा के पिला रहे आप, वो गुटी सीधे सीधे हम ही घोट देंगे। हाँ, कैसे कैसे, वो गुटी सीधे सीधे हम ही घोट देंगे जी, और हमसे आप वोट लेके भाजपा को देंगे तो हम सीधे सीधे भाजपा को वोट देंगे। समय समय की बात, बुलंदी के नारे थे चसुपा, समय समय की बात, बुलंदी के नारे थे चसुपा, और सिर्फ सपोर्टिंग बन कर रह गई आज पार्टी बसपा। सर पीछे बीएसपी की तरफ से कुछ एक बयान आए, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, दो तीन बयान है और एक चार पंक्तियां सुनी। बसपा की मार्केट वैल्यू कमाल की है, मना करने पर भी जबरदस्ती रुपए जेवर कपड़े देने का कष्ट तो उठा लेते हैं, पर बार बार मांगने के बावजूद लोग पार्टी को वोट नहीं देते हैं। लोग पार्टी को वोट नहीं देते हैं। एक बयान और आया कि पार्टी प्रायः समर्थवान लोगों को टिकट देती है और कुछ विशेष परिस्थितियों में पैसे भी एडवांस लेती है। पैसे भी एडवांस लेती है। वैसे ये तरीका एकदम सही है क्योंकि इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। पैसे पहले ही ले लो जो पेमेंट कर सकता है, क्योंकि पार्टी की कंडीशन देखकर पैसे देने वाला बाद में मुकर सकता है। माल्या की तरह भाग गया तो किसकी तरह, माल्या की तरह, हाँ भाग गया। पैसे देने वाला बाद में मुकर सकता है। और एक बात बिल्कुल नई, और क्रेडिट लेने के दाव पेंच आपको भी भा गए। दो लोग तो मेरा मेरा कर ही रहे थे, बस आप ही की कमी थी, आप भी आ गए। बस आप ही की कमी थी, आप भी आ गए। लगता है कुछ दिनों में कांग्रेस का बयान भी आएगा कि हमारी सत्ता के दौरान सारे प्रोजेक्ट्स का खाका था, लेखा था, यूपी में तमाम एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बनाने का सपना 30 साल पहले कांग्रेस ने देखा था। 30 साल पहले कांग्रेस ने देखा था, और अब सपा भाजपा पर जम के बरसते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तंज कसते हैं, तब सत्ता के लिए गठबंधन वाले दिन याद नहीं आए? उस समय उनकी विचारधारा के मुंह पे मास्क लगा था जो पहचान नहीं पाए। जो पहचान नहीं पाए, पर गलती आपकी भी नहीं, पर गलती आपकी भी नहीं, इस देश में राजनीतिक परिस्थितियां क्या हो गई हैं सर, अंतिम दो पंक्तियां, पर गलती आपकी भी नहीं, ये तो कुर्सी है जो कुछ भी करवा सकती है, दुश्मन को दोस्त बनवा के भाई को भाई से लड़वा सकती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, भाई को भाई से लड़वा सकती है। और सत्ता की चाहत रखने वाला हवा का रुख देखकर बह जाता है, और दम तोड़ते हुए नैतिकता और विचारधारा का बक्सा धरा का धरा रह जाता है। यूपी चुनाव की बहुत सारी बात हो रही है, उसके साथ में पंजाब का भी चुनाव है, और दद्दू प्रतिनिधित्व करते हैं पंजाब से। एक प्रश्न मेरा पूछना बनता है, तीन पंक्तियां आपके आनंद के लिए हैं, चौथी पंक्ति में आपसे प्रश्न, और आनंद आप भी ले सकते हैं तीन पंक्तियों का, सुनिएगा। कि जैसे पीर अभागे से या सुई जुड़े धागे से, जैसे पीर अभागे से या सुई जुड़े धागे से, मेघ जुड़े रहते हैं जैसे हरियाली से। अरे, 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 अरे,
जैसे पीर अभागे से या सुई जुड़े धागे से, मेघ जुड़े रहते हैं जैसे हरियाली से, और सुर जुड़े ताल से व लय जुड़े धुन से ज्यो, सुर जुड़े ताल से व लय जुड़े धुन से जो राग जुड़े रहते हैं जैसे कि कवाली से, राग जुड़े रहते हैं जैसे कि कवाली से, और जैसे कोई देवर जुड़ा हुआ हो भावी से व जैसे कोई देवर जुड़ा हुआ हो भावी से व जीजा जी जुड़े हो जैसे किसी खास साली से, जैसे कोई देवर, अब प्रश्न है कि जैसे कोई देवर जुड़ा हुआ हो भावी सेवा, जीजा जी जुड़े हो जैसे किसी खास साली से, और दानिश जी सच बतलाइए पंजाब में क्या ऐसे ही जुड़े हैं बसपाई भी अकाली से। ये अकाली दल से गठबंधन का क्या सीन है? हमारा पार्टी का अकाली दल से प्रीपोल अलायंस है, पर वहां तो अब कांग्रेस ने ही दांव चल दिया है कि दलित मुख्यमंत्री। अब तो भाई कांग्रेस की मजबूरी हुई, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की मजबूरी और सिद्धू की पर आपको आपको साथ नहीं देना चाहिए दलित मुख्यमंत्री का, जब आप बहुजन समाज की बात करते हैं तो। अब वो देखिए हमारा प्रीपोल अलायंस है, हमारा प्रीपोल अलायंस हुआ उसी दबाव में तो कांग्रेस को ये फैसला लेना पड़ा। तो चलिए आप कह रहे हैं कि आपके दबाव में एक अच्छा फैसला वहां से हो गया। अब वो चुनाव के बाद कितना कंटिन्यू होगा इस पर तो सवालिया निशान है ना। चलिए लास्ट में सर मैं ये पढ़ता हूँ, आप थोड़े कुंवर साहब ढीले से कैसे हो गए, कड़क आवाज क्यों नहीं निकल रही है बताइए। मैं बताता हूँ जी कि गाय वाले चाय वाले सबके प्रचार शुरू चाय वाले सब के प्रचार शुरू, किंतु उनकी पक्की उखाड़े अभी बाकी है, किंतु उनकी पक्की उखाड़े अभी बाकी है, और साइकिल वाले हैंड पंप को उठा के चले साइकिल वाले हैंड पंप को उठा के चले, चढ़ने को उनको पहाड़े अभी बाकी है, है। हाँ। सुने सब पूरा देश सुने, और जब से आप लोग प्रश्न कर रहे हो आप भी सुनो, हाँ। और मैं खुद को भी सुनाता हूँ, हाँ। ये ओवैसी भोवैसी और आप चाप बाप वाले है? आप चाप बाप कौन कौन आ गए, ओवैसी भोवैसी और आप चाप बाप वाले, इद्दी पिद्दियों की भी पछाड़े अभी बाकी है। सर मैं हकीकत बात कहता हूँ, मजा आएंगे लास्ट में, हाँ पछाड़े अभी बाकी है, किंतु आयरन लेडी मायावती बैठी देख रही, हाथ उठाना सही कह रहा हूँ मैं, और इसी बात से इनको समर्थन करता हूँ कि आयरन लेडी मायावती बैठी देख रही, साहसी शेरनी की दहाड़े अभी तो अंत में क्या कहेंगे दानिश साहब आप, अंत में क्या कहेंगे? अंत में जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा, अंत भला सो भला, और लपेटे में नेताजी में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे बीएसपी नेता कुंवर दानिश अली। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी मंच पर इसी चैनल पर इसी वक्त, देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया। थैंक यू सर।